डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड किडनी स्टोन्स, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डाइटरी सप्लीमेंट्स यानी कि विटामिंस, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में। द मार्केट इज़ फ्लडेड विथ सप्लीमेंट्स लाइक विटामिंस, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स एंड वॉट नॉट। सम पीपल आर टेकिंग इट फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पज़, सम आर टेकिंग इट बिकॉज दे आर इन स्पोर्ट्स, दे नीड मोर एनर्जी। कुछ लोग ब्यूटी पर्पज़ के लिए ले रहे होते हैं, कुछ लोग बोन हेल्थ के लिए ले रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे ही ले रहे होते हैं। आई वुड से नेचुरल डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर यू। किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना जो डाइट है उसको बैलेंस रखते हैं, जिसमें हर तरह की चीज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स शुगर, फैट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, प्रोटीन, अगर सारा कुछ आपकी डाइट में है, यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट्स। फिर भी अगर किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स सप्लीमेंट्स लेते हैं तो क्या इससे फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जो कॉमन सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, हम इस पर बात करेंगे। सबसे कॉमन ये सप्लीमेंट्स हैं जो कि कई बार भारी मात्रा में लंबे समय तक लोग कंज्यूम करते हैं। नेचुरल कैल्शियम आपकी डाइट में किडनी स्टोन्स प्रिवेंट करता है। जब यही कैल्शियम हम सप्लीमेंट यानी गोली की तरह पे लेते हैं, इस कैल्शियम को बॉडी बड़ा डिफरेंटली हैंडल करती है और जिन्हें किडनी स्टोन पहले से है या पहले था, उनमें किडनी स्टोन्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको अपने डॉक्टर से ये पूछना पड़ेगा, जिसने भी प्रिस्क्राइब किया है। सपोज जैसे ओल्ड एज मेनोपॉजल लेडीज़ में बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लाई सप्लीमेंट एडवाइस किया जाता है। अगर बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम या विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे फ्रैक्चर्स के रिस्क कम हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम किडनी स्टोन्स भी हैं तो फिर हमें यूरोलॉजिस्ट के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि हाउ कैन यू मॉनिटर द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। उसके कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं यूरिन में, एंड वी कीप एन आई कि आपका विटामिन डी लेवल कितना चल रहा है। हम बिना मॉनिटर किए विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट लॉन्ग टाइम तक नहीं ले सकते हैं। सो लेना अगर ज़रूरी है तो सप्लीमेंट्स लेने हैं, हाँ मॉनिटर करना पड़ेगा ब्लड लेवल्स और कभी कभी यूरिन लेवल्स। इसी तरह विटामिन सी, विटामिन सी लोगों ने कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा खाया है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। नेचुरल विटामिन सी आप अपनी डाइट में एम्पल अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप नींबू, ऑरेंज और इस तरह के जो दूसरे नेचुरल सोर्सेज हैं वो कंज्यूम करते हैं, यू विल गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम योर डाइट। विटामिन सी की सप्लीमेंट्स की आम तौर पर जनरल पब्लिक को ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट कैन बी गिवन एज अ ट्रीटमेंट अगर वोंड हीलिंग या किसी और पर्पज़ के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, दैट्स ओके, बट अदरवाइज रूटीन लाइफ में इसके सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है, यू नो that immunity will improve if you take a good sleep, if you keep your stress and anxiety under control, if you take a balanced diet and if you exercise regularly. गोलियां खाने से immunity नहीं improve होती, ये हम सब जानते हैं। So vitamin C आप तभी लें जब कोई prescribe करे, कितना लेना है ये पता होना चाहिए। Vitamin C के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप vitamin C खाते हैं, ये बॉडी में अंदर जाके लिवर में metabolize होता है और इससे ऑक्सलेट बनता है, ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स बनाता है। सो अगर किसी को किडनी स्टोन्स हैं, vitamin C का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सप्लीमेंट नेचुरल आप ले सकते हैं, नेचुरल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह से प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, यू डेफिनेटली नीड मोर प्रोटीन फॉर अ प्रोफेशनल पर्सन। अगर आप शौकिया जिम में या बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप जितना प्रोटीन ले रहे हैं उतना कंज्यूम हो रहा है आपकी बॉडी में। मोस्टली होता ऐसा है कि रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, एक्सरसाइज और वर्कआउट उस लेवल का नहीं होता है और लोग प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में कंज्यूम करते जाते हैं। सो अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेंगे, पहला वो एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन में, वो सारा वेस्ट हो जाएगा पॉटी में। दूसरा जो एब्जॉर्ब होता भी है वो बॉडी में यूटिलाइज अगर नहीं हो रहा है तो वो किडनी से एक्सक्रीट होता है एंड इट टेक्स अ ह्यूज लोड ऑफ एसिडिक कंटेंट टू द किडनी। ये एक्स्ट्रा प्रोटीन जो किडनी को एक्सक्रीट करना पड़ता है, ये इसके लिए बहुत भारी पड़ता है।
बहुत एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है किडनीज को, और हाई एसिडिक कंटेंट के कारण स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। सो अगर आप बहुत एक्सेस मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं, नॉर्मली हमें 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी पर डे का प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप मसल बिल्डिंग में हैं या स्पोर्ट्स में हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं 1 ग्राम 1.5 ग्राम पर केजी पर डे कर सकते हैं, बट उस हिसाब से उसे यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा प्रोटीन लेना है देन यू विल नीड अ प्रोफेशनल गाइडेंस, एंड आई वुड से अगर आप प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में हैं, बॉडी बिल्डिंग में है, पावर लिफ्टिंग में है, तब तो इन सब चीज़ों में जाना है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपकी किडनीज पर ठीक नहीं होते हैं। सो ये चार कॉमन सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, इनके ऊपर रिसर्चेस नहीं है, बट इन चारों के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक एविडेंस है, वो मैंने आपको बताया। अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल बी हैप्पी टू।